किसी का कहना वही मानते हैं जो लोग समझाने वाले के ऊपर आस्था रखते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें माँ बताने की कोशिश करती है, पिता भी कभी कभी बहुत अच्छा संदेश देता है, लेकिन पुत्र सुनता नहीं है, पुत्र मानता नहीं है। बेटियों को समझाते समझाते मां थक चुकी है, बेटियां अपने रंग ढंग में चल रही है, माता पिता के सामने जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया है। पत्नी पति को समझाते समझाते ऊब जाती है, मंदोदरी कहती है मैं घर संभालने में नहीं थकी लेकिन अपने पति को संभालने में थक चुकी हूं। किसी का पति शराब पी रहा है, किसी का पति गांजा पी रहा है, किसी का पति ताड़ी पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई पति पता नहीं चलता कहां जाता है कहां से आता है। पतियों की टेंशन में बहुत सी स्त्रियों का बुढ़ापा आ गया है, आधी जिंदगी रोते रोते बीत गई, चिंता करते करते बीत गई। वो नारी सौभाग्यवती है जिसको पवित्र आत्मा दिव्य आत्मा पति प्राप्त हुआ है, पति प्राप्त हुआ है। किस्त्री स्त्रियों को तो भगवान जैसा पति मिल जाता है, सीता जी को तो भगवान ही मिल गए थे। सोची और भगवान को जगदम्बा का रूप धारण करके सीता जी पत्नी के रूप में मिल गई थी। गृहस्थ आश्रम में जितना दुख लोग भोग रहे हैं इतना दुख है नहीं, ये तो दुख लोग रोज रोज नित नूतन दुख पैदा करते हैं। बड़ी विचित्र बात है ये दुख। मनुष्य के पास में ऐसी केमिस्ट्री है, दुख भी पैदा कर सकता है और सुख भी पैदा कर सकता है। इस दुनिया के अंदर सुख दुख दोनों नहीं है, ये संसार प्लेन संसार बिल्कुल सादा कागज जैसे होता, प्लेन पेपर है। प्लेन पेपर पर गाली लिख दो जो पढ़ेगा उसको क्रोध आएगा, प्लेन पेपर पर भजन लिख दो जो पढ़ेगा वो आनंद में डूब जाएगा, प्लेन पेपर पर धन्यवाद का लेटर लिख दो जो पढ़ेगा बार बार पढ़ेगा गदगद हो जाएगा, प्लेन पेपर पर विकास के फार्मूले लिख दो जो पढ़ेगा उन्नति करेगा, प्लेन पेपर पर गुरु के ज्ञान की बातें लिख दो जो पढ़ेगा वो अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ेगा अध्यात्म की राह पर आगे जाएगा। ऐसे ही संसार और तुम्हारी जिंदगी प्लेन पेपर है, क्या लिखना है फैसला आपका है, क्या देखना है निर्णय आपका है, दुनिया में क्या सुनना है डिसीजन आपका है, क्या करना है ये भी फैसला आपका है, और कैसे जीना है ये भी तरीका आपका है। याद रखना, कुछ संतों ने इस संसार को कुआं का उदाहरण दिया है, ये संसार कुआं है। कुआं आजकल के बच्चे कुआं जानते नहीं,
गड्ढा खोद कर कुआं बनता था और कुआं में झांको धन्य हो, तो कुआं में झांकने से फिर उसमें आवाज करो तो जो तुम बोलोगे वही आवाज वापस लौटेगी। गाली दोगे तो गाली लौटेगी, भगवान की जय बोलोगे तो जय लौट कर आएगी, और भजन गाओगे तो भजन के शब्द लौट कर आएंगे। ऐसे ही ये जगत कुआं है, इसमें जो भी बोलोगे, जो भी देखोगे, जो भी सुनोगे, जो भी करोगे, वो सब डबल लौट करके आपके पास आने वाला है, डबल लौट कर आपके पास आने वाला है। पत्नी को दुख देने वाला पति कभी निश्चिंतता का सुख नहीं पाता है, पति को टेंशन देने वाली पत्नी कभी आनंद की अनुभूति नहीं करती है, और मनमानी करने वाला शिष्य कभी महान नहीं बनता है और सुख नहीं पाता है। नियम संयम छोड़ करके मोटी डोडी बनने वाला व्यक्ति इस संसार में अपने लिए कांटे बोता है और कांटों पर ही चलता है और कांटों की दर्द एहसास करता है। इसलिए नियम संयम की राह चुनो, अपने मन को समझा कर रखो। दूसरों को समझाना आसान है लेकिन स्वयं के मन को समझाना कठिन है। जब तुम्हारा जगत में अपमान होता है तो तुम दूसरों को गाली देते हो कि इनके कारण हुआ है, लेकिन सूक्ष्म रूप से अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारा अपमान तुम्हारे कारण ही हुआ है, तुम्हारा सम्मान भी तुम्हारे कारण ही होता है, तुम्हें सुख भी तुम्हारी वजह से ही मिलता है, तुम्हें दुख भी तुम्हारी ही वजह से मिलता है। सुख दुख की चाबी तुम्हारे पास है, एक ही चाबी नीचे घुमा दो ताला बंद हो जाता है, ऊपर की तरफ घुमा दो ताला खुल जाता है। याद रखना, अगर मन की चाबी को ऊंची सोच पैदा कर लो तो सुख का ताला खुल जाता है, और मन की चाबी को नीच सोच में डाल दो तो याद रखना सुख का ताला बंद हो जाता है, सुख का ताला बंद हो जाता है। जय